हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए टेक्निकल वीडियो में। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कैसे आप स्पीच अपने वॉइस से अपना टेक्स्ट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। जी हाँ, आप अपने वॉइस के द्वारा अपना कोई भी आर्टिकल हो, ब्लॉग हो, अपना वेबसाइट का कंटेंट हो या प्रोजेक्ट हो, कुछ भी चीज़ है, आप अपने वॉइस के द्वारा अपना टेक्स्ट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल क्रोम ओपन करना है, अपना ब्राउज़र ओपन करना है। उसके बाद लाइक अलग अलग ऐसी वेबसाइट्स है जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि कहाँ से आप अपना स्पीच टू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल है मार्केट में, बट अगर मैं कुछ वेबसाइट्स की बात करूँ जो मुझे पर्सनली अच्छी लगी है, तो फर्स्ट हम लाइक जाएंगे dictation.io वेबसाइट के ऊपर। डिक्टेशन आयो वेबसाइट में आप जाएंगे तो इसका ये नॉर्मल सा यूज़र इंटरफेस आपको दिखेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे तीन चीज़ें सेट करनी है। फर्स्ट आपका यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। लैंग्वेज में अगर हम बात करें, मैं हिंदी करने वाला हूँ, तो लास्ट में हम जाएंगे यहाँ से लैंग्वेज में हिंदी। सेकेंड, माइक बटन आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप डेस्कटॉप पे यूज़ कर रहे हो, अपने पर्सनल कंप्यूटर पे यूज़ कर रहे हो ये सॉफ्टवेयर, तो आपको कंपलसरी वहाँ पे अपना हेडफोन, माइक या हैंड्स फ्री लगाना कंपलसरी है। अगर आप लाइक लैपटॉप से यूज़ कर रहे हैं तो कंपलसरी नहीं, आप लगा भी सकते हैं, अदरवाइज उसमें लैपटॉप में इनबिल्ट भी माइक होता ही है। सो थर्ड स्टेप में आपको करना है यहाँ पे क्लिक बटन दबाना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक बटन दबाओगे तो आप यहाँ पे राइट हैंड साइड देख रहे हो, मैं जो भी अभी बोल रहा हूँ वो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रहा है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे पॉज लूंगा तो ये पूरा डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिख के आ जाएगा, राइट। इसको आप स्टॉप कर देते हैं, जो भी चीज़ मैंने यहाँ पे बोली उसका ऑलरेडी यहाँ पे टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। पर्सनली ये dictation.io वेबसाइट मुझे इसलिए अच्छी लग रही है क्योंकि ये बहुत लाइट वेट है, आप अपने मोबाइल से भी यूज़ कर सकते हैं, या तो जिसमें इंटरनेट स्पीड स्लो भी है तो भी आप ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड सॉफ्टवेयर की बात करें तो सेकेंड सॉफ्टवेयर हमारा है जिसका नाम है speech2texter.com। ये अगेन वेबसाइट मुझे अच्छी इसलिए लगी क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने स्टार्ट बटन दबा, इसका एक्यूरेसी बहुत अच्छा है। जैसे मैं जितनी भी स्पीड से इसमें बोलूँगा उतनी ही स्पीड से आप टॉप में देख रहे होंगे कितना रिकॉर्डिंग होता जा रहा है इसमें। मतलब इसका जो लाइक अगर आप नॉर्मल कैपेसिटी की बात करें तो आप कितना भी लंबा चौड़ा लाइक आप कन्वर्जेशन करते हो तो ये ऑन द स्पॉट रिकॉर्ड करते जा रहा है। कुछ कुछ इंग्लिश वर्ड आपको यहाँ पर ज़रूर दिक्कत आ सकती है, बट वो आप बाद में भी लाइक उसको करेक्ट कर सकते हैं। सो देखिए, जैसे ही मैंने स्टॉप किया पूरा मेरा लाइक यहाँ पे डॉक्यूमेंट आ गया। अभी सिंपल मुझे क्या करना है, यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करके इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ। कॉपी करके मुझे अपने वर्ड फाइल में सिंपल पूरा डॉक्यूमेंट यहाँ पे पेस्ट कर देना है, तो ये पूरा मेरा डॉक्यूमेंट रेडी हो गया। अगर थर्ड वेबसाइट की मैं बात करूं तो जिसका नाम है speech2text.co, राइट। ये वेबसाइट मुझे पर्सनली इसलिए अच्छी लग रही है कि जिसमें आपका एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा है, पिछले दो मैंने जो आपको वेबसाइट बताया उससे भी ज़्यादा एक्यूरेसी लेवल इस वेबसाइट का है। बड़ी बड़ी कंपनीज, ब्लॉगर, आर्टिकल राइटर्स जो होते हैं या जो वेबसाइट में कंटेंट राइटर होते हैं वो सब यही वेबसाइट का यूज़ करते हैं। एंड अच्छी बात यह है ये सॉफ्टवेयर के बारे में, कितना भी लंबा चौड़ा आप कंटेंट इसमें रिकॉर्ड कर सकते, वर्ड की कोई लिमिटेशन नहीं है, एज वेल एज ए फ्री सॉफ्टवेयर। ऑपरेशन भी बहुत सिंपल है, यहाँ से मुझे सिंपली सिलेक्ट करना है अपना लैंग्वेज। इंग्लिश में भी इसमें इंडियन लैंग्वेज का लाइक स्पेशली ऑप्शन दिया गया है जिससे आपके प्रोनाउंसिएशन अगर इंडियन प्रोनाउंसिएशन है तो भी ये परफेक्टली आपको उसको एक्यूरेट मैनर में टेक्स्ट में कन्वर्ट करके देखे। सो लेट्स स्टार्ट लाइक विद द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू स्टैट सॉल्यूशन। Here in this video, we are going to discuss about speech to text software. Stop कर देते इसको। देखिए, like जितना भी मैंने चीजें बोली ये already उसका text में convert उसने on the spot कर दिया। Accuracy level की बात करें तो almost 90-95% accuracy है। कहीं पे अगर pronunciation wise problem आया तो आप like manually भी उसको rectify कर सकते हैं, right? So ये तीन website है, specially आपको मैं एक बार summarize कर दूँ, speech to notes.co है, राइट, dictation.io है या speech2texter.com है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल की मैं बात करूँ तो जैसे एक लाइक ब्लॉगर होता है, एक बड़ी लाइक फेमस वेबसाइट है लाइक इन्फो बाई AJ, राइट, जिसमें अगर मैं आप देख रहे हो तो लाइक इतना लंबा चौड़ा ब्लॉग होता है। अब ये ब्लॉग लिखने में मुझे लाइक 4-5 घंटे लग सकते हैं, बट अगर मैं इसका लाइक डिक्टेशन अगर
वॉइस थ्रू करता हूँ तो मैं आधे घंटे में भी ये पूरा ब्लॉग रेडी कर सकता हूँ। सेम अगर मुझे इंग्लिश में भी कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे एक जैसे ब्लॉग आर्टिकल लिखा हुआ है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सो पूरा आर्टिकल आपको यहाँ पे इंग्लिश में है तो इंग्लिश कंटेंट राइटर है वो आप उसको पूरा लाइक वॉइस डिक्टेट कर सकता है एंड उसका टेक्स्ट में डॉक्यूमेंट पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। तो जिस तरह से आप अपना कोई भी लाइक वेबसाइट है, ब्लॉग है, सॉफ्टवेयर है, वो इजीली यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सके थ्रू योर वॉइस कमांड, राइट। सो ये तीन ऐसे सॉफ्टवेयर है जो मेनली लाइक इंडस्ट्री में यूज होते हैं। बेनिफिट अगर बात करें लाइक स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर के बेनिफिट क्या है, तो बट ऑब्वियस स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है आपकी कंटेंट डेवलप करने की। एक्यूरेसी की बात करें तो ग्रामेटिकल एरर में अगर हिंदी में या इंग्लिश में मेरे स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामेटिकल एरर, सेंटेंस फॉर्मेशन प्रॉब्लम होते, बट यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपना खुद का दिमाग लगा के, क्योंकि इसमें लाइक आर्टिफिशियल ऑफ इंटेलिजेंसी का भी यूज हुआ होता है, तो अपना खुद का लाइक एक्यूरेट वो सेंस लगा के उसका ग्रामेटिकल को एरर नहीं होने देता, राइट। एंड बट ऑब्वियस अगर अपने वॉइस से अपना खुद का कंटेंट आप क्रिएट कर रहे हो तो उसमें गूगल में आप अगर मोनेटाइज भी करना चाहते हो आपका कंटेंट, आपका ब्लॉग, आपका आर्टिकल, आपका वेबसाइट, तो कॉपीराइट कंटेंट का कोई इश्यू नहीं आता है, राइट। सो लाइक आशा करता हूँ आपको वीडियो में बहुत अच्छे से जानकारी मिली होगी एंड आप भी अपने अगले ब्लॉग, वेबसाइट, डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए ये तीन वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं। तीनों वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो यू कैन जस्ट हैव अ लुक ऑफ इट, राइट। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नए टेक्निकल वीडियो के साथ। अगर वीडियो जरा सा भी पसंद आया है तो यू कैन लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन।